नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बिशुनपुरा प्रखंड में लगातार हो रहे कोरोना जांच, 11 लोग पाए गए पॉजिटिव। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पतिहारी में 75 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया था, जिसमें सभी लोग नेगेटिव पाए गए थे। लेकिन आज बिशुनपुरा प्रखंड के कोचेया गांव से कोरोना जांच में 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर प्रशासन ने तत्काल इस गांव को कंटेन जोन घोषित कर दिया है। आपको बताते चले कि बिशुनपुरा प्रखंड के गांधी चौक पर कैंप लगाकर 94 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक ही गांव से 11 लोग पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन रेस हो गई है। वीडियो जयपाल महतो ने तत्काल कोचिया गांव को कंटेन जोन घोषित करते हुए 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कोरोना किट उपलब्ध करा दिया जाएगा और सभी लोग प्रशासन की निगरानी में रहेंगे। कंट्रोल रूम इनके संपर्क में रहेगा ताकि दूसरे लोगों को संपर्क में ना ले सके। 14 दिनों बाद इनका फिर से जांच किया जाएगा। मंगलवार से बड़े पैमाने पर लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव कोचिया गांव से 11, पिपरी कला से एक और महुली कला से एक और प्रखंड से पंचायत सेवक जो कोरोना पॉजिटिव है, जो भंडरिया प्रखंड से शामिल है। हाँ सर, जो 11 लोग जो आज पॉजिटिव पाए गए एक ही गांव कुचिया गांव से, सर इस पर क्या कहना है आपका? हम लोगों ने लगभग 100 लोगों का जांच किया आज किशनपुरा में। एक ही जगह से लगभग मैक्सिमम लोग पॉजिटिव आए हैं। सबको कोरोना किट उपलब्ध करा दिया गया, दवा दे दिया गया, उसके साथ सबको सारे की कंडीशन ठीक है, मतलब कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं है, एसिम्टोमेटिक है मैक्सिमम लोग। तो सबको दवा दे के घर में रहने के लिए बोला गया। 14 दिनों तक इन लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे, इसके बाद इनकी पुनः टेस्ट कराई जाएगी और बीच में लगातार हमारा कंट्रोल रूम इनके संपर्क में रहेगा। कोई भी स्थिति, कोई भी दिक्कत होती है तो इन्हें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। साथ ही कल से हम लोग आसपास के जितने और लोग हैं सघन टेस्ट कराएंगे पूरे क्षेत्र में। और अभी तुरंत हम लोग इसको एक कंटेनमेंट जोन बना दे रहे हैं, आसपास के दूसरे लोगों के संपर्क में ये लोग ना आ पाए इसके लिए। जी जी जी, ठीक है, ओके सर।